हरदोई के तहसील शाहबाद में काम करने वाले मोल बाबू का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो तहसील शाहबाद के मोल बाबू के कार्यालय का बताया जा रहा है, जो कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर खर्चा पानी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगला गणेश के सुखविंद्र नाम के एक व्यक्ति से शाहबाद तहसील में तैनात मोल बाबू रावेंद्र शुक्ला खर्चा पानी की बात कर रहे हैं। ये हो गया सत्यवती वाला क्या है? सत्यवती वो औरत मैं कानून को कस करना है भैया मैके वाला। हाँ पालन लिखी खाली रिपोर्ट कानून को कस करता है यहाँ का तुमने क्यों आप करा लिया फिर लगे रिपोर्ट बाद में तैयार को कानून को और नहीं कानून को वो है दिशित है कोई दिशित दिशित हाँ लगना उसे हाँ अच्छा कानून को दस्तखत हो यार तब तुम्हारा दस्तखत हो तले साहब कैसे करेंगे दस्तखत ना लेखपाल कानून को जब दोनों को रिपोर्ट हो तब तहसीलदार दस्तखत हो तो तुम देगी हमने देखो ना बाद में देखो ना कानून को भाई बैठे वहाँ भाई तुम देखो बैठे हाँ बैठे तो हैं भाई कहाँ वहाँ बाहर रूम पीछे वाले वो उधर पीछे सर हाँ कैसे क्या ठीक कानून को तो भेजे ही भाई कितना टाइम लगेगा फोन कल ले जाओ। हेलो कल कितना टाइम कितना टाइम था? अच्छा ठीक तो भी अपन का गुरु का दे यार उनसे बात बता रहे वहाँ लिखा लिया उसके बाद करेंगे हम बता ही रहे थे ये बताओ ले जाए उनसे बताओ आप दें लिखाई करें आप साइन कर दो अपना हम तो यार पहले भी साइन तुम्हारे करवाई दे तुरंत तुमने दिया तो करवाई दे कि नहीं चला छोड़ो नहीं तहसीलदार पर लेके तहसीलदार बोले भैया आपकी मस्जिद करते हैं लेकिन मजबूरी देखा हमने कि फर्जी काम बहुत हो रहा है यहाँ पर है या तहसीलदार साहब के साहब हमसे बोले जमा कर दीजिए भैया कोई बात नहीं हम इसलिए वो कह रहे थे कल परसों बढ़ा फर्जी काम मेरे को बता ही रहे थे हमें हर तरीका का आदमी है हम तो कह रहे थे भैया ऐसी कोई बात नहीं कि फर्जी काम बहुत हो रहा है इसलिए भैया मजबूरी सामने है जवाब दे हम कह रहे तो कोई बात नहीं आज
ये बताओ ले जाए, अगर मिल जाए कानून को तुमसे लगवा लेंगे, नहीं मिल जाएगा तो आपके पास रख देंगे हम। यार हाथ चढ़ चुका है ना, हाथ लालपुर में ना, मई का लालपुर में ना उनका लालपुर हाँ लेखपाल तुम कुछ खर्च करना ही रहे हो तुम पता है रहे? खर्च कर ले आओ। कितना खर्च कर लेता हूँ? जो तुम्हारी श्रद्धा हो हमका बताओ, मतलब उससे बिगड़ना है खर्चा पानना है बिगड़ रुपये। अरे हो तो यार सब कुछ कराए रहे सब तुम्हारे हो तो तुम बता रहे हो ना भाई, तुम्हारे भलाई के लिए हम बता रहे। अरे हमारा वो पहले काम आप करा ही रहे हो, पहले काम तुम्हारे तुम्हारे हम बता ही रहे, और तुम्हें जाओ ना बताई तुम इतने दे दो जो तुम्हारी श्रद्धा हो आदमी हम भेज दें हमारे से कागज लेके तुम्हारा नहीं तो आप हमें दे दो करा देंगे ना। हाँ तो नहीं दी वो ठीक है, कागज जमा होने चलो जी अपने लिखवा लो रिसीट। अरे तो हम करा लेंगे, दिक्कत कहाँ है आपका जे भाई, तब है तो कह रहे हैं कह का है रहे शिकायत कर देते ना, अभी कहीं मालूम चलाते रहे ऐसे डाक कर दिया। अरे डायरेक्टर भाई तो हमका दाद नहीं, मतलब एक दो दिन बाद कल दें परसों दें तो बात तो कह दें फिर तो हम भिजवा ही दें, लेकिन अगर आप हैं जरूरत तो भाई हम आदमी भेज दें। नहीं तो हमें तो अगर मतलब आप देखेगा तो हमें दे दो हम करा लेंगे, उनसे आपको दे दिए वापसी में। आपको तो जब कागज हो जाए तब हम दे दो। चलो कोई बात से, चलो कोई बात नहीं, जब हुई तो जमाएँ चाहिए, जब तहसीलदार से हो जाए कागज तले तो हम काम कमा। नहीं सही बात है, मतलब खर्चा पानी वाली बात ऐसी थोड़ो, मतलब कोई बात आप बताए खर्चा पानी तो हम दे जाओ तो ले हुआ अपनों, जब हो जाए अपनों ले लिया हुआ खर्चा पानी वाली बात, मतलब जो आप बताई दो मैं इतनी दवाई दूँते हूँ। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक